सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी व्यंजन संधि को समझेंगे। व्यंजन संधि में आपका नियम है कि जो आपके दो पद या जिन पदों के बीच आपकी संधि होती है उन दो पदों में आपका एक और व्यंजन होना जरूरी है। यहाँ पर जो आपका संधि के बारे में उन्होंने बताया है वह आपका है व्यंजन तथा स्वर का, स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसा इन्होंने यहाँ पर उदाहरण में समझाया है जगत प्लस ईश, इन दोनों की संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा जगदीश। इसमें आपका जिन वर्णों की संधि हुई है वह आपका है ता प्लस ई, इसमें आपका ता व्यंजन है, ई स्वर है। दूसरा आपका उदाहरण है आ प्लस छादन, आपकी संधि होने के बाद बनेगा आच्छादन, इसमें आपका आ स्वर और छ व्यंजन है। तीसरा आपका उदाहरण है सत प्लस जन, आपका संधि होने के बाद सज्जन यह शब्द बनेगा, इनमें आपका जिन वर्णों की संधि हुई है वह आपका ता व्यंजन है और जा भी आपका व्यंजन है। यहाँ पर आपके तीन उदाहरण से इन्होंने आपको व्यंजन संधि समझाई है कि आपकी व्यंजन संधि के क्या नियम है। आपके इससे भिन्न कुछ नियम है वह भी आप समझ लीजिए। जैसे आपका पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आप अपने स्पर्श व्यंजन को जानते ही हैं, वहां पर आपके व्यंजनों को वर्ग में विभाजित किया गया है जो आपके हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। तो आपके उन्हीं वर्गों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जब भी आपके पूर्व वाले पद में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आएगा तो इसके स्थान पर आपका तृतीय वर्ण हो जाएगा। वह आपका तृतीय वर्ण किस नियम से होगा आप उसको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि व्यंजन संधि आपकी थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाली संधि है। आपने अब तक जो अपनी स्वर संधि पढ़ी है उसमें आपके इतना अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी, वह आपकी बहुत ही आसान संधि थी। लेकिन व्यंजन संधि आपकी कुछ कठिन संधियों में से है तो आप इसमें कुछ अधिक ध्यान देंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि आपके क च ट प के बाद यदि कोई स्वर वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन जो आपका है ग घ ज झ न ध ढ प के बाद यदि कोई स्वर वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ या आपका या र ल व ह में से कोई व्यंजन आए तो आपके क को ग आदेश हो जाएगा, च को ज आदेश हो जाएगा, ट को ड आदेश हो जाएगा, ता को द आदेश हो जाएगा और आपके पा को ब आदेश हो जाएगा। यहाँ पर आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि आपके पूर्व वाले पद में अंतिम वर्ण आपका क च ट प और आपका त वर्ण आता है तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। आप इसको उदाहरण से समझ लीजिए। यहाँ पर आपका उदाहरण दिया है दिक प्लस अंबर, यहाँ पर आपके पूर्व पद का अंतिम वर्ण क आया हुआ है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वर्ण अ स्वर है तो दोनों के मेल होने पर आपके जो आपका क वर्ण आया है वह अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा तो आपका शब्द बनेगा दिगंबर। शेष जो आपके उदाहरण है वह आपके का ग परिवर्तन रूप ही हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं उसमें आपके च का ज ट का ड प का ब आदेश हो जाएगा। इसमें आप अपने एक उदाहरण को देख लीजिए अच प्लस अंत, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण च वर्ण है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण अ स्वर है तो आपके च वर्ण को च वर्ग का ही तृतीय वर्ण हो जाएगा च छ ज। यहाँ पर आपका अजंत जो शब्द है वह आपका इसी नियम से बनेगा। शेष उदाहरण आप स्वयं देख लीजिए। यहाँ पर आपका त
का द आदेश हो जाएगा। आपका उदाहरण है तत् प्लस भव। यहाँ पर आपका पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ता वर्ण आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण भा वर्ण आया है। जो आपके नियम में भी इन्होंने बताया है कि वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आता है तो आपके ता वर्ग को तृतीय वर्ण में आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ता वर्ण को उसी वर्ग का तृतीय वर्ण त थ द आदेश हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा तद्भव। शेष उदाहरण भी आप अपनी वीडियो को रोककर देख सकते हैं। आपकी व्यंजन संधि का दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवे वर्ण में परिवर्तन। जो आपने इससे पहले वाला नियम देखा था उसमें आपके वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण में परिवर्तन बताया था और यहाँ पर आपका वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन बताया है। जो आपका पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा वह आपका किस नियम से होगा आप उसको भी समझ लीजिए। जैसा इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है क च ट त के बाद यदि आपका मा या ना हो तो आपके का को ञ, च को ज, ट को ण, ता को ना और पा को मा हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि यदि आपके पूर्व वाले पद में अंतिम वर्ण आपका कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद जो आपका बाद वाला पद आया है उसका पूर्व वाला वर्ण आपका ना या मा में से कोई भी होता है तो आपके प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना उदाहरण देख लीजिए वाक प्लस मैं। आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण का वर्ण आया है, बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण मा व्यंजन आया है। तो यहाँ पर आपका संधि होने के बाद आपके का को उसका पंचम वर्ण आदेश होने के बाद आपका शब्द बनेगा वांग में। शेष जो आपके उदाहरण है वह भी आपके इसी नियम के उदाहरण है। आप अपनी वीडियो रोककर शेष उदाहरण भी एक बार जरूर देख लीजिए। सभी संधियों में आप अपने जितने भी आपको उदाहरण आपकी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं यदि आप उन पर भी एक बार अभ्यास करते हैं तो आप अपनी संधियों को और भी आसानी से समझ सकते हैं। व्यंजन संधि में आपका तीसरा नियम है जो आपका ता संबंधी विशेष नियम। जब आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ता वर्ण होता है तो आपके उसमें क्या परिवर्तन आता है, यदि उसके बाद कोई भी व्यंजन या स्वर हो तो उसमें क्या परिवर्तन होगा वह आपके इस नियम में बताया गया है। आपके ता संबंधी जो विशेष नियम है उसके इन्होंने तीन भाग किए हैं, आप उनको समझ लीजिए। यदि आपके ता व्यंजन के बाद आपका च या छ हो तो च आदेश हो जाएगा और यदि आपके ता व्यंजन के बाद ज या झ आए तो उसको ज आदेश हो जाएगा। यदि आपके ता व्यंजन के बाद ट या ठ आए तो आपका ट आदेश हो जाएगा। यदि आपके ता व्यंजन के बाद ड या ढ आए तो आपका ड आदेश हो जाएगा। यदि आपके ता व्यंजन के बाद ता ही व्यंजन आपका आता है तो आपके ला आदेश हो जाएगा। तो आप अपने उदाहरण से इस वाले नियम को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। आप इसको सामान्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि यदि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ता व्यंजन है और उसके बाद आपका च वर्ग, ट वर्ग, कर्ण है और आपके ता व्यंजन के बाद ता ही व्यंजन है तो आपके इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो आप अपने उदाहरण से देख लीजिए शरद प्लस चंद्र। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ता वर्ण है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण च वर्ण है। तो यहाँ पर आपके नियम में जैसा बताया गया है कि यदि आपके ता के बाद च वर्ण आता है तो उसको च आदेश हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने शब्द में देखेंगे शरद चंद्र। जो आपका शब्द बना है वह आपके इसी नियम से बना है। यहाँ पर आपके ता को च आदेश हो गया है। आप अपने इसमें एक उदाहरण और देख लीजिए क्योंकि यह नियम आपका कुछ कठिन नियमों में से ही एक है। तो आप इसमें अपना एक उदाहरण और देख लीजिए जिससे आप अपने ता संबंधी नियम को समझ सके।
यहाँ पर आपका दूसरा शब्द है सत प्लस जन, तो यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ता वर्ण आया है, बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण आपका ज वर्ण आया है। तो आपके नियम में कहा गया है कि जब भी आपके च या झा में से कोई भी वर्ण आए तो आपके ता को जा आदेश हो जाएगा। तो आपका सज्जन इसी नियम से बना हुआ शब्द है। सत में जो आपका ता वर्ण है वह आपके बाद में ज वर्ण आने पर ता को जा आदेश हो गया है। तो आपका सज्जन इसी नियम से बना हुआ शब्द है। शेष आप उदाहरण अपने वीडियो रोक कर इन पर जरूर अभ्यास कीजिए। ता संबंधी जो आपका नियम है उसमें आपका दूसरा भाग है, यदि ता के बाद श आए तो ता का च और श का छ हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको आसान शब्दों में समझ लीजिए कि यदि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ता है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण श आया है तो आपके ता को च आदेश हो जाएगा और आपके श को छ आदेश हो जाएगा। इसमें आप उदाहरण देख लीजिए, उत प्लस शिष्ट, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ता वर्ण आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण श आया है, तो यहाँ पर आपका ता वर्ण का च आदेश हो जाएगा और श को आपका छ आदेश हो जाएगा। आपका यह परिवर्तन होने के बाद आपका शब्द बनेगा उच्छिष्ट। के इसी वाले नियम का तीसरा भाग है, यदि ता के बाद ह व्यंजन आए तो ता का द और ह का ध हो जाएगा। के बाद यदि आपका ह व्यंजन आया है तो आपके ता को द आदेश हो जाएगा और ह को ध आदेश हो जाएगा। इससे पहले जो आपका भाग था उसमें आपके केवल ता में ही परिवर्तन हो रहा था, उसके बाद जो आपका व्यंजन आया था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन जो ये आपके दो नियम है इसमें आपके दोनों ही व्यंजनों में परिवर्तन आ रहा है। आप उदाहरण देख लीजिए, पत प्लस हति, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण ता व्यंजन है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण ह व्यंजन है, तो यहाँ पर आपके इन दोनों में ही परिवर्तन हो जाएगा। ता को आपका दा आदेश हो जाएगा और ह का आपका धा आदेश हो जाएगा। तो दोनों में संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा पद्धति। शेष जो आपके उदाहरण है उसको आप अपनी वीडियो रोककर देख सकते हैं। व्यंजन संधि का चौथा नियम है छ संबंधी नियम। इससे पहले जो आपने नियम देखा था वह आपका ता संबंधी नियम था, यह है आपका छ संबंधी नियम है। यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। आपका यह बहुत ही आसान नियम है कि यदि आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला पद छ आया है तो वहां पर आपके च का आगमन हो जाएगा। शेष जो आपका शब्द है वह इसी प्रकार संधि हो जाएगी। आप इसको उदाहरण से समझ लीजिए, संधि प्लस छेद, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण आपका ईश्वर आया है और बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण छ वर्ण है। तो यहाँ पर जैसा आपका नियम बताया है कि बाद वाले पद में यदि आपका छ आया है तो उससे पहले आपका च वर्ण का आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा संधि छेद। शेष जो आपके उदाहरण है वह आपके इसी नियम के उदाहरण है। व्यंजन संधि में आपका पांचवा नियम है मा संबंधी नियम। यदि आपके मा के बाद का से मा कोई व्यंजन आए तो, यहाँ पर आपका कहने का अर्थ है कि यदि आपके हलंतीय मा जब आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण हलंतीय मा होगा और उसके बाद आपका कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो आपके माँ को उस व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण परिवर्तन हो जाएगा। जिस भी वर्ग का आपका बाद में व्यंजन आएगा तो आपके उसी वर्ग का पंचम वर्ण वहां पर आपके हलंतीय माँ को आदेश हो जाएगा। आप इसको अपने उदाहरण से समझ लीजिए, किम प्लस कर, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण हलंतीय मा आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण
का वर्ग का प्रथम वर्ण का ही आया है। तो यही आपका नियम कहता है कि यदि आपके हलंतीय मा के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो आपके उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा किंकर। यहाँ पर आपका किंकर शब्द इस संधि नियम से हो जाता है, लेकिन जो आपने अपना अनुस्वार का नियम पढ़ा है वहाँ पर आप अपने पंचम वर्ण को अनुस्वार भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव हलंतीय मा का ही रूप लेता है, अतः सम को हम सम भी लिख सकते हैं। तो आप अपने अनुस्वार नियम से अपने पंचम वर्ण को अनुस्वार कर सकते हैं। तो आपका किंकर, जो यह शब्द आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह आपके अनुस्वार नियम से हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप अपना एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे आपका है सम प्लस ध्या, यहाँ पर आपका पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण हलंतीय मा आया है और उसके बाद आपका धा स्पर्श व्यंजन आया है। तो आपका नियम कहता है का वर्ग का पंचम वर्ण आपके यहाँ पर हो जाएगा। तो आपके ता वर्ग का पंचम वर्ण आपका ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे संध्या इस रूप में आपका मा संबंधी नियम से आपकी संधि होने के बाद आपको वर्ण प्राप्त होगा। लेकिन जो आपका अनुस्वार वाला नियम है उससे आपके पंचम वर्ण को अनुस्वार होने के बाद संध्या आपका इस रूप में आपको शब्द मिलेगा। आप अपने शेष उदाहरणों को भी एक बार जरूर अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि जितना आप अपने उदाहरणों पर अभ्यास करेंगे उतनी ही आसानी से आप अपनी व्यंजन संधि को समझ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अन्य नियम में बताया है कि यदि आपके मा व्यंजन के बाद आपका मा व्यंजन आता है तो वहाँ पर आपका द्वितीय मा का प्रयोग होता है, वहाँ पर आपके अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जो आपका पांचवा नियम इन्होंने समझाया था कि हलंतीय मा के बाद आपका कोई भी व्यंजन आए तो वहाँ पर आपका उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है या आपका अनुस्वार हो जाता है, तो यहाँ पर आपको इन्होंने उसमें एक परिवर्तन करके अन्य नियम समझाया है कि यदि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण हलंतीय मा आया है और आपके अध वाले पद का पूर्व वाला वर्ण मा आया है तो वहाँ पर आपका अनुस्वार नहीं होगा, वहाँ पर आपका मा ही होगा। यहाँ पर आपका सम प्लस मुख, इन दोनों में संधि होने के बाद सम्मुख, इस प्रकार आपका शब्द बन जाएगा। आप अपनी व्यंजन संधि के अन्य नियम में खा वाला भाग देख लीजिए। मा से परे य र ल व श स स ह आने पर मा का रूपांतरण आपका अनुस्वार हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण यदि आपका हलंतीय मा है और उसके बाद आपका कोई भी य र ल व श श स ह यदि आपका वर्ण आता है तो आपके हलंतीय मा का रूपांतरण आपके अनुस्वार में हो जाएगा। यह आपका अनुस्वार वाला ही नियम है, आप इसको एक बार अपने उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका है सम प्लस यम, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण हलंतीय मा है, आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण या व्यंजन आया है तो यहाँ पर आपके हलंतीय मा को अनुस्वार हो जाएगा। इन दोनों में संधि होने के बाद संयम आपका शब्द इस प्रकार हो जाएगा। शेष उदाहरण आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर आपका है ना का अणा, यह आपकी संधियों में आप कितनी बार शब्दों में देखते हैं कि आपके ना को अणा आदेश हो जाता है, वह आपका किस प्रकार होता है उसके लिए आप समझ लीजिए। जब आपका रि र और आपका श के बाद न आता है तो आपके ना को अणा हो जाता है। इसमें भी आपका इन्होंने कुछ विशेष दिए हैं कि यदि आपके बाद वाले वर्ण में च वर्ग ट वर्ग ता वर्ग और आपका श या श आए तो आपके ना को अणा नहीं होगा। आप अपने उदाहरण से इस वाले नियम को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका है री प्लस ना का नियम है कि आपके
री के बाद यदि ना आता है तो आपके ना को अणा आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऋण इसी का आपका उदाहरण है। आप इसको अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हर प्लस ना, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण रा आया है और उसके बाद आपका बाद वाला जो वर्ण है वह आपका ना आया है, तो आपके ना को अणा आदेश हो जाएगा पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण रा होने के कारण, जो आपके नियम में इन्होंने बताया है। शेष उदाहरण भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने आपके नीचे शब्द दिए हुए हैं वह आपके इसके उदाहरण है। जैसे आप दर्शन में देखेंगे, दर प्लस सन, यदि आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आपको दो शब्द प्राप्त होंगे। दर प्लस सन, आपके दर में अंतिम वर्ण र आया है लेकिन उसके बाद वाला आपका जो वर्ण है वह आपका श आया है, तो यहाँ पर आपके ना को अणा आदेश नहीं होगा, वह आपको इसी रूप में मिलेगा। तो आपका दर्शन शब्द इसी का उदाहरण है। शेष जो आपके शब्द हैं अर्जुन, रतन, दुर्जन, अर्चना, पर्यटन आदि आपके इसी के उदाहरण हैं। यहाँ पर इन्होंने अपवाद इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने जो विशेष रूप से यहाँ पर परंतु करके दिया था वह आपका इसी का उदाहरण है। व्यंजन संधि में आपका अंतिम नियम है स को श आदेश। यहाँ पर आपके स से पूर्व अ आ से भिन्न स्वर हो तो आपके स को श आदेश हो जाएगा। आप अपने उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी प्लस से, यहाँ पर आपके पूर्व वाले पद का अंतिम जो आपका वर्ण है वह आपका अ आ से भिन्न स्वर है, वह आपका ई स्वर है। बाद वाले पद में आपका पूर्व वाला वर्ण श आया हुआ है तो आपके स को श आदेश हो जाएगा। आपके स को श आदेश हो जाएगा क्योंकि उससे पूर्व आपका ईश्वर आया है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि यदि आपके पूर्व वाले पद में आपका अ आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है और आपके बाद वाले वर्ण का पूर्व वाला वर्ण आपका स दंतीय सकार आता है तो वहां पर आपके दंतीय सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो आपका अभी प्लस सेक का उदाहरण जो आपका इन्होंने दिया है, इन दोनों में संधि होने के बाद होगा अभिषेक। यहाँ पर आपका विशेष रूप से इन्होंने कुछ शब्दों को दिया है अनु प्लस सरण, इसमें आपका अ आ से भिन्न स्वर जो आया है वह आपका उ स्वर आया है लेकिन यहाँ पर आपके स को श आदेश नहीं हुआ है। इसी प्रकार आपका वी प्लस स्मरण, यह भी आपका विशेष ही है क्योंकि यहाँ भी आपका आ से भिन्न स्वर आया है जो आपका ईश्वर है लेकिन यहाँ पर भी आपके श को श आदेश नहीं हुआ है। ऐसा ही आपका एक अन्य उदाहरण है अनु प्लस स्वर, इसमें भी आपका आ से भिन्न उ स्वर आया है लेकिन यहाँ पर भी आपके श को श आदेश नहीं हुआ है। यह तीन उदाहरण आपके अपवाद के रूप में है, जो है आपके अनु प्लस सरण, दोनों में संधि होने के बाद अनुसरण इसी रूप में रहेगा, वी प्लस स्मरण आपका संधि होने के बाद इसी रूप में विस्मरण रहेगा, अनु प्लस स्वर आपका संधि होने के बाद अनुस्वर ही रहेगा। यह आपका अपवाद इन्होंने दिए हैं। संधि को विसर्ग को आप जानते ही हैं, यह आपका विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तित रूप को विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी संधि की जो सामान्य परिभाषा है वह आपकी केवल इतनी ही है कि यदि आपके विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए और आपके विसर्ग में परिवर्तन हो जाए तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। इसमें आपके कुछ नियम हैं, उनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका पहला नियम है विसर्ग को ओ, जो आपका पूर्व पद के बाद विसर्ग आता है वह आपका ओ आदेश हो जाता है। वह आपका ओ आदेश किस प्रकार होगा आप उसके लिए नियम देख लीजिए। विसर्ग से पहले यदि आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य र ल व ह हो तो विसर्ग को रूपांतरित ओ हो जाता है। यह आपका विसर्ग का जो इन्होंने रूप परिवर्तन बताया है वह है आपका कि जो आपका पूर्व पद है उसका
विसर्ग से पहले जो आपका वर्ण आया है वह आपका आ स्वर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका मन, मन में यदि आप अपने वर्ण विच्छेद करेंगे तो ना में आपका आ स्वर का मेल होगा, उसके बाद आपका विसर्ग आया है। और यदि आपके पूर्व वाले पद में विसर्ग से पहले किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आया है, या आपके अंतस्थ जो व्यंजन है वह आए हैं, या ह जो आपका वर्ण है वह आया है, तो आपके विसर्ग को ओ रूपांतरित हो जाएगा। इसको अपने उदाहरण से समझ लीजिए। यहाँ पर आपका उदाहरण है मनः प्लस हर। यहाँ पर आपका आप देखेंगे कि पूर्व पद के अंत में आपका विसर्ग आया है, और विसर्ग से पहले जो आपका न वर्ण आया है उसमें आपका आ स्वर का मेल है, तो आपके विसर्ग को ओ आदेश हो जाएगा। मनः प्लस हर, इन दोनों में संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा मनोहरा। शेष जो आपके उदाहरण है वह सभी आपके इसी नियम के उदाहरण है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम समझ लीजिए। विसर्ग का स, विसर्ग के बाद यदि किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण या स हो तो विसर्ग को स हो जाता है। आप अपने इस नियम को सामान्य रूप से समझ लीजिए कि यदि आपके पूर्व पद में विसर्ग आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व जो आपका वर्ण है वह आपके किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या तीसरा वर्ण है, या उसके स्थान पर आपका स आया है, तो आपके विसर्ग को स हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका स होगा वह आपका हलंत्य दंत सकार होगा। यहाँ आप अपने उदाहरण को देख लीजिए, दुह प्लस तर। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्व वाले पद का अंत में आपका विसर्ग आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला जो पद है वह आपका ता वर्ग का प्रथम वर्ण तकार ही है, तो आप अपने इस वाले नियम से अपने विसर्ग को सा आदेश करने के बाद जब आप अपने इन शब्दों की संधि करेंगे तो आपका शब्द बनेगा दुस्तर। ना एक और उदाहरण देख लीजिए, दुह प्लस साहस। यहाँ पर भी आपके पूर्व वाले पद में विसर्ग आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला वर्ण दंत्य सकार है जो आपके नियम में कहा गया है, तो यहाँ पर आपके विसर्ग को दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। दुह प्लस साहस आपका संधि होने के बाद जो शब्द बनेगा वह होगा दुस्साहस। शेष उदाहरण आप स्वयं अपनी वीडियो रोककर देख सकते हैं। यह आपके दूसरे नियम के ही बचे हुए उदाहरण हैं। अब आप अपने विसर्ग संधि में तीसरा नियम देख लीजिए। विसर्ग का र, जो आपके पूर्व पद में विसर्ग अंत में होता है उसका आपको रा में परिवर्तन हो जाएगा, वह आपका किस नियम से होगा उसको आप समझ लीजिए। विसर्ग से पूर्व आ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या आपका जो आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल, व और आपका ह वर्ण में से कोई हो तो विसर्ग को र आदेश हो जाएगा। आप अपने उदाहरण से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका शब्द है निहि प्लस बल। यहाँ पर आपके पूर्व पद का अंत में आपका विसर्ग आया है, उससे पहले जो आपका स्वर आया है वह आपके आ आ से भिन्न स्वर है क्योंकि वह आपका ई स्वर है। उसके बाद जो आपका बाद वाला पद है उसके पूर्व में आपका ब वर्ण आया है जो आपके पा वर्ग का तृतीय वर्ण है। यहाँ पर नियम के अनुसार कि आपके पूर्व वाले पद में विसर्ग से पहले आ आ से भिन्न आपका ईश्वर आया है और बाद वाले पद के पूर्व वाला वर्ण आपका किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण में पा वर्ग का तृतीय वर्ण आया है, तो यहाँ पर आपके विसर्ग को रा आदेश हो जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा निर्बल। शेष आपके उदाहरण अपनी वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। आप इन पर अभ्यास जरूर कीजिए क्योंकि आप अपने उदाहरणों पर जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही आसानी से आप अपनी विसर्ग संधि को समझ पाएंगे। आपकी विसर्ग संधि का चौथा नियम है
विसर्ग का श। यहाँ पर आपके विसर्ग को श आदेश हो जाएगा, वह आपका किस नियम से होगा उसको आप समझ लीजिए। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो आपके विसर्ग को श हो जाएगा। आपके नियम को सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि यदि आपके विसर्ग से पहले कोई भी आपके व्यंजन में स्वर होना चाहिए और आपके बाद वाले पद का जो पूर्व पद होगा वह आपका च, छ या आपका श ही होना चाहिए, तभी आपके विसर्ग को श होगा। जो आपका यहाँ पर विसर्ग को श हो रहा है वह आपका तालव्य शकार होगा। यहाँ पर जो आपका तालव्य शकार होगा वह आपका हलंत्य ही होगा। आप अपने उदाहरण से इसको समझ लीजिए। निहि प्लस चल, यहाँ पर जो आपका निहि आया है उसमें आपके विसर्ग से पहले ई स्वर आया है और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला जो वर्ण है वह आपका च आया है। तो यहाँ पर आपके इस नियम से विसर्ग को तालव्य सकार हो जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा निश्चल। शेष जो आपके उदाहरण है आप उनको ध्यान से जरूर देख लीजिए और उन पर एक बार अभ्यास जरूर कीजिए। विसर्ग संधि का पांचवा नियम है विसर्ग का श। यहाँ पर आपके विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। जो आपका मूर्धन्य शकार होगा वह आपका किस नियम से होगा उसको भी आप समझ लीजिए। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग से परे, विसर्ग से परे कहने का अर्थ है कि जो आपका बाद वाला पद है उसके पूर्व वाला जो वर्ण होगा वह आपका विसर्ग से परे होता है, उसमें आपका क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो आपके विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। मूर्धन्य शकार भी आपका हलंत्य ही होगा। आप इसको उदाहरण से समझ लीजिए। निहि प्लस काम, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके निहि में ई स्वर आया है आपके विसर्ग से पहले और आपके बाद वाले पद का पूर्व वाला जो वर्ण है वह आपका क आया है, तो आपके इस नियम से आपके विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। निहि प्लस काम जो आपका संधि होने के बाद शब्द बनेगा वह होगा आपका निष्काम। शेष उदाहरण पर भी एक बार आप अभ्यास जरूर कर लीजिए। सर्ग संधि में आपका पांचवा नियम है विसर्ग का लोप और पहले आने वाले वर्ण का दीर्घ हो जाना। यहाँ पर आपके दो नियम इन्होंने एक साथ ही समझा दिए हैं, आप इनको एक एक करके समझ लीजिए। जैसे आपका पहला इन्होंने बताया है विसर्ग का लोप, यदि विसर्ग से पहले अ अ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आपके विसर्ग का लोप हो जाता है। आप इसको अपने उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे आपका उदाहरण है यहाँ पर अतः प्लस एव, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके विसर्ग से पहले जो त व्यंजन आया है उसमें आपका अ स्वर का मेल है, तो आप अपने नियम से कह सकते हैं कि विसर्ग से पहले आपका आ स्वर आया हुआ है, उसके बाद जो आपका बाद वाला पद है उसके पूर्व वाले वर्ण में आपका अय स्वर आया है जो आपके आ आ से भिन्न है, तो यहाँ पर आपके विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा अतेव। आपका मनस्वी भी इसी प्रकार का उदाहरण है। जो आपके शेष उदाहरण है वह भी आपके विसर्ग के लोप के ही उदाहरण है। यहाँ पर आपके इसी नियम का दूसरा भाग है पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप के लिए आपका क्या नियम है। यदि विसर्ग से आगे र हो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर आपका इसका सामान्य से नियम है कि यदि आपके विसर्ग के बाद जो आपका बाद वाला पद आएगा उसका पूर्व वाला वर्ण यदि रा होता है तो आपके विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो आपके विसर्ग से पहले स्वर होगा वह आपका दीर्घ रूप में हो जाएगा। तो आप अपने उदाहरण को देख लीजिए। निहि प्लस रोग, यहाँ पर आपके निहि में ई जो छोटी ई हम जिसको कहते हैं वह आपका स्वर आया हुआ है और आपके विसर्ग के बाद जो पद आया है उसका पूर्व वाला वर्ण र आया है,
तो यहाँ पर आपका इस नियम से आपके विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो आपका छोटा ई स्वर आया है ना पे वह आपके दीर्घ रूप में हो जाएगा। तो आपके निहि प्लस रोग इन दोनों में संधि होने के बाद आपका शब्द बनेगा निरोग। यहाँ पर आपका नीरस और नीरज इसी का उदाहरण है। आप अपनी वीडियो को एक-एक करके देखते रहिए और जो आपके वीडियो में उदाहरण आए हैं उन पर आप अभ्यास जरूर करें, तभी आप अपनी संधियों को और भी अच्छे से सीख पाएंगे।